तो आज का दिन बेहद खास है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि विजयदशमी के मौके पर, वायुसेना दिवस के मौके पर हिंदुस्तान को मिल रही है रफेल किरण शक्ति। हम आपको तीन तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं द्वारका पहुंचे हुए हैं, और वहां पर वो राम लक्ष्मण सीता जो परंपरा है, जो किरदार जो हैं निभाते हैं कलाकार, उनका पूरी आरती तिलक लगाकर उनका आरती उतारी जाती है, और उसके बाद राम रावण युद्ध प्रतीकात्मक तौर पर होता है, और उसके बाद रावण दहन होता है। और एयरफोर्स डे में हमने अपाचे चिनूक एयरक्राफ्ट जो पहली बार इंडक्ट किए गए हैं उनकी शक्ति का भी प्रदर्शन किया। और वहीं फ्रांस में रक्षा मंत्री पहुँचे हैं विजयदशमी, जहाँ शस्त्र पूजा हमारे शास्त्रों में लिखी है, और वहीं वायुसेना दिवस, इस मौके पर भारतीय वायुसेना को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए रफेल की ताकत जोड़ रहे हैं। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से हिंदुस्तान की जो धार्मिक संस्कृति है, इतिहास है, उसकी झलक देखने को मिलती है। साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो भारत की ताकत है वायुसेना के मोर्चे पर, वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहे दुनिया के हाईटेक फाइटर जेट राफेल की वजह से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक के लिए कारगर है, तो वहीं जंग की सूरत में इसकी घातक मिसाइल मिट्योर और स्केल्प पाकिस्तान में तबाही मचा देंगे। आसमान में जब राफेल गरजेगा तब पाकिस्तान पर बमों की बरसात होगी। अगर कभी पाकिस्तान ने फिर से भारत पर युद्ध थोपने की गंभीर गलती की, तो फिर राफेल का वार पाकिस्तान को तार तार कर देगा। मैदान जंग में हाईटेक राफेल उड़ान भरेगा तब पाकिस्तान पर मिसाइलों की बौछार होगी, और हिंदुस्तान के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ हार होगी। यह है भारतीय एयरफोर्स का वो युद्धवीर राफेल, जिसकी आसमानी हुंकार पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के पसीने छुड़ा रही है, जिसकी गर्जना पाक आर्मी चीफ बाजवा की नींद हराम कर रही है। जंगे मैदान के रणवीर राफेल को पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों या उसके जमीनी ठिकानों के पास जाने की भी जरूरत नहीं, ये दूर से ही दुश्मन का काम तमाम कर देगा। और इसके पीछे वजह है इसकी हाईटेक सेंसर कैपेबिलिटी। दूर से ही दुश्मन को देख लेने की क्षमता और घातक मिसाइलें, हाईटेक राफेल के ये वो ब्रह्मास्त्र हैं जो उसे दुश्मनों के लिए यमराज बनाते हैं। खबरों के मुताबिक राफेल विमानों की एक स्क्वाड्रन सामरिक रूप से बेहद अहम अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात हो सकती है, जहां से पाकिस्तान सीमा की दूरी सिर्फ 220 किलोमीटर है। गोल्डन एरो नाम की स्क्वाड्रन पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी खतरे से निपटेगी। राफेल की वजह से पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय एयरफोर्स की मारक क्षमता काफी बढ़ गई है। मिट्योर मिसाइल से लैस राफेल की मारक क्षमता पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों से कहीं अधिक है। मिट्योर एयर टू एयर मिसाइल की 150 किलोमीटर तक रेंज है। ये विजुअल रेंज से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी जो BVR मिसाइल मौजूद है उसकी रेंज सिर्फ 80 किलोमीटर है। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल के चलते इस विमान की रेंज में पाकिस्तान का करीब करीब हर इलाका होगा। राफेल की तुलना अमेरिका के F-35 फिफ्थ जनरेशन विमानों के साथ की जा सकती है। इसके सामने F-16 विमानों की तकनीक पुराने जमाने की बात है। अब जबकि सीमा पर पाकिस्तान से तनाव बना हुआ है, तो जंगी तैयारियों के लिहाज से राफेल हिंदुस्तान के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसकी बराबरी का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। पाकिस्तान के पास J-17, F-16 और मिराज जैसे लड़ाकू विमान हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी राफेल की तरह एडवांस नहीं है। पाकिस्तानी युद्धक विमान तकनीक और मारक क्षमता के लिहाज से भारतीय वायुसेना के आगे कहीं नहीं ठहरते। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाक के F-16 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन ने मार गिराया था। रक्षा जानकारों के मुताबिक एक राफेल विमान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को 2 F-16 विमानों की जरूरत होगी। ऐसे में भारत का पलड़ा पाकिस्तान से भारी होगा। आपके पास अगर कम एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होता है तो आपको एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के खिलाफ 2 या 4 हवाई जहाज भेजने की जरूरत होती है,
एंड सिमिलरली अगर आपके पास सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होता है उसके एवियोनिक्स मिसाइल्स कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं तो दुश्मन को आपके खिलाफ 3 से 4 हवाई जहाज भेजने पड़ते हैं तो आप उसके ज्यादा नंबर खा सकते हो यू नो दैट वे. सो इट इज अ गेम चेंजर. इट इज अ वेरी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म. जो बालाकोट स्ट्राइक हुआ था तो उसमें मिराज 2000 यूज किया गया था. हालांकि हमारे पास रशियन एयरक्राफ्ट 230 भी थे लेकिन मिराज 2000 किया गया इसलिए कि उस रोल के लिए वो मोस्ट सूटेड है. तो ये जो रफाल है वो उससे भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, उससे एक एक जनरेशन आगे हो गया. फिलहाल भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में सुखोई, मिराज और तेजस जैसे लड़ाकू विमान पहले से मौजूद हैं. अब इस जंगी दस्ते में दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट राफेल के जुड़ने से हिंदुस्तानी एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ने जा रही है. टीम न्यूज नेशन. सर अगर समझना चाहें कि हाल के दिनों में जिस तरह से हमने देखा है कि हमने अपाचे, चिनूक, S-400 तमाम तरह के जो डिफेंस डील्स थी उनमें न सिर्फ तेज़ी दिखाई है बल्कि काफ़ी हथियार हम तक पहुंचने भी लगे हैं, आपको लगता है चेंज इन गवर्नेंस, चेंज इन पॉलिसीज हुआ है कहीं ना कहीं? आपने एकदम दुरुस्त फरमाया. पिछले कुछ वर्षों से ये देखा गया है कि हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज में काफ़ी तेज़ी आई है. ना सिर्फ प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज में तेजी आई है, देर इज ए चेंज इन द माइंडसेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां फ्रांस में शक्ति पूजन हो रहा है हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत का और वहां पर इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए पहुंचे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. वहीं दूसरी तरफ आप सुन रहे थे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने भारत की वायु शक्ति का भी जिक्र किया. वो तमाम संकल्प जिस पर जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार रहता है, चाहे वो कन्याओं के सशक्तिकरण की बात हो या फिर मौजूदा दौर में सिंगल प्लास्टिक यूज को खत्म करने की बात हो, इस तरीके की तमाम बातों का जिक्र किया. और अब वो पल प्रयास जिसका आप जिक्र कर रही थी. बिल्कुल. और अब देखिए कि कितना आज का दिन, जिस तरह से हमने शुरुआत की थी ये हमारी विशेष कवरेज जो लगातार जारी है, वो हमने कहा था कि आज का दिन बेहद खास है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है. एक तरफ विजयदशमी का मौका है, वायुसेना दिवस है, रफेल का इंडक्शन है और वहां पर रफेल का शक्ति पूजन हो रहा है भारतीय परंपरा अनुसार. फ्रांस से तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से हम अगर अत्याधुनिक तकनीक जो है उसको अपनाने में हमेशा तत्पर रहते हैं तो वहीं अपनी परंपरा को भी साथ लेकर चलते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री अगर अत्याधुनिक विमान रफेल में उड़ान भरेंगे, हिंदुस्तान आएगा, भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होगा, तो वहीं अपनी परंपराओं को भी साथ लेकर चल रहे हैं हम जब तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि हम उसका शक्ति पूजन कर रहे हैं पूरे विधि विधान से. यहाँ हमारे साथ धर्मगुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती जी भी जुड़े हुए हैं. नरसिंहानंद सरस्वती जी आपके पास आएंगे, आपसे भी तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे लेकिन आपसे समझना चाहेंगे. सर आपने सुना अभी प्रधानमंत्री ने राफेल का भी जिक्र किया रामलीला के कार्यक्रम में, एक बड़ा संदेश देश के मुखिया की तरफ से. ये कितना सुंदर संयोग है, प्रधानमंत्री जी ने आज महिला शक्ति, मैं फौज से हूँ, युद्ध में महिलाएं, वायुसेना सबसे अग्रसर है. प्रधानमंत्री जी ने कितने सुंदर तरीके से बोला महिलाएं देश में दुर्गा हैं, लक्ष्मी हैं, रणचंडी भी हैं. भारतीय वायुसेना ने आज से 25 साल पहले 1993 में महिला पायलट्स को देश के डिफेंस में अपना योगदान देने का मौका दिया था. कितनी सुंदर बात है. मैं आपको माफी चाहूंगी, रोक रही हूं क्योंकि ये मौका जो है एक लगभग दशकों के इंतजार के बाद आया है जब हमारे आंखों के सामने कोई फाइटर प्लेन जो है वो इंडक्ट हो रहा हो, जो उसको हम उसकी डिलीवरी ले रहे हों इस तरह से. लेकिन देखिए तो, विदेश में ओम उस विमान पर जो एक बड़ी ताकत है और बनाने पहुंचे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. सेना में कहा जाता है कि सभी जो धर्म हैं उनसे ऊपर उठकर सेना होती है, वहाँ पर आपको एक अलग तरह का पूरा एनवायरनमेंट मिलता है. लेकिन जिस तरह से हमारे बटालियंस के जो उद्घोष होते हैं वो भी परंपराओं से, भगवान से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर भी शक्ति पूजन, नारियल भी है, फूल भी है, ओम भी है, कलावा भी है. सर कुछ बताएंगे इसके बारे में कि एक तरफ तो ये कि हम धर्म और जाति सबसे ऊपर हैं और फिर ये शक्ति पूजन. देखिए आपने बहुत सही सवाल किया. भारत की सेना किसी भी धर्म विशेष में विश्वास नहीं करती है. हमारे कुछ दुश्मन देश हैं जहाँ की उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि उनका एक धर्म विशेष में विश्वास है. हमारी सेना में कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य धर्म से नहीं होता, हम सब साथ साथ हैं. मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी वायुसेना, किसी भी इंडियन आर्मी या नेवी के यूनिट में जाइए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा.
हमारा कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म स्थल, जहाँ पे दिवाली में मेरे मुस्लिम भाई आके कंधे से कंधे में मिलाकर हमारे साथ दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। कल अगर ईद है तो हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ, हमारे मुस्लिम पायलट्स हैं, मुस्लिम टेक्नीशियंस हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सर्वधर्म स्थल में जाकर ईद मनाते हैं। बिल्कुल, यति नरसिंहानंद सरस्वती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव जी भी जुड़े हुए हैं अपना, लेकिन एक चीज़ जो इन तस्वीरों में दिखती है वो ये कि एक तरफ ये नया भारत है जो राफेल को हिंदुस्तान के वायुसेना के बेड़े में शामिल कर रहा है, और दूसरी तरफ वो 5000 साल पुरानी संस्कृति और आस्था की झलक भी है जहाँ पर विधि विधान के साथ, पूजा के साथ राफेल का इंडक्शन हो रहा है। नरसिंहानंद सरस्वती जी, कैसे आप देखते हैं आज की इन दो तस्वीरों को, फ्रांस में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहाँ दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण मानवता को मानवता के सबसे पुराने त्योहार की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत गौरवान्वित हूँ इन दोनों दृश्य को देखकर। एक भारतीय के रूप में, एक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है वो अपनी सनातन की जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में उन्होंने आज एक संबोधन पूरे देश को दिया है। और ये राफेल का मिलना, वायुसेना की शक्ति का बढ़ना, शक्ति पूजक लोग हैं हम शक्ति की पूजा करते हैं, और शक्ति की पूजा केवल प्रतिमाओं से नहीं होती, शक्ति की पूजा शस्त्रों से होती है, शक्ति की पूजा मनोबल से होती है, मनोरथों से होती है। तो ये एक बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, उनके कारण अब हमें लगने लगा है कि भारत में भी कोई सरकार है, वरना बहुत दिनों तक हमको लगा ही नहीं था कि भारत में कोई सरकार भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत बुरी तरह पिट रहे थे, गौरवान्वित होने के क्षण हमें बहुत कम मिल रहे थे, लेकिन आज ये अभूतपूर्व दृश्य है। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ मीडिया के भाई, पॉजिटिविटी जो सारे देश में ला रहे हैं जी, और इस तरह गौरवान्वित करने वाले क्षणों को दिखा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। संजीव जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि विजयदशमी के मौके पर हथियारों की पूजा, जो हथियार हमारे रक्षक हैं उनकी पूजा, क्या कुछ इससे संदेश जाता है, क्या परंपरा कहती है, क्यों की जाती है ये? बहुत सुंदर वक्तव्य आप सभी का सुनकर के, प्रधानमंत्री जी का ऐसा वक्तव्य सुना, संपूर्ण राष्ट्र में आज तक मैंने ऐसा वक्तव्य किसी प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री के नहीं सुना। और हमारा ये चैनल बड़ा धन्य है जिससे बड़े बड़े वक्ता यहाँ आकर के वार्ता करते हैं, हम गौरवान्वित हैं। देखिए, अस्त्र शस्त्र पूजा करने से बहुत अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा पुण्य ये है, हमारे आज श्रीमान राजनाथ सिंह जी आज विदेश में रहकर भी भारतीय परंपरा के अनुसार और पूजन कर रहे हैं। एक मंत्र तो बोल ही देता हूँ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि। तो मंगल में अस्त्र शस्त्र पूजा करने से अक्षय पुण्य होता है और हमारी अपनी, हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की सुरक्षा होती है, क्योंकि ये देश बचेगा, ये राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे। चलिए, आपने तो बताया कि किस तरह से शस्त्र पूजा जो है और ताकत देती है, ये मंत्र जो है और ज्यादा हथियारों को घातक बना देते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल पार्ट की बात की जाए तो परंपरा है, आस्था है, धर्म है, लेकिन मीट मशीन जिसे कहते हैं, तो कितना मादा, कितनी कुवत इस मशीन में है, कैसे अलग राफेल बाकी लड़ाकू विमान? एकदम मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो आपका सवाल, देखिए, जब मैं तलवार की पूजा करता हूँ उसमें एक बेसिक फैक्टर है, मैं तलवार की जब पूजा करूंगा तो मैं तलवार को चमकाऊंगा, साफ रखूंगा, उसको जंग नहीं लगने दूंगा। जब मैं तलवार की पूजा करता हूं तो मैं उसको चमकदार बनाने के साथ साथ धारदार भी बनाऊंगा। इसी तरह से जब हम सेना में शस्त्र पूजन करते हैं, इसका मतलब निहित आधुनिक परिप्रेक्ष्यों में यह है कि वो वेपन सिस्टम जब भारत में आ जाएगा, मैं उसकी इज्जत से मेंटेनेंस करूंगा, उसकी बहुत हाई लेवल ऑफ सर्विसबिलिटी मेंटेन करूंगा, मैं अपने तन मन से यह कोशिश करूंगा कि उस वेपन सिस्टम को कोई डैमेज ना हो, उसका कोई गलत उपयोग ना हो, और यह मैं हमेशा समझूंगा कि भारत की जनता ने अपने मेहनत का एक एक रुपया टैक्स के बतौर जो डाला है, भारत
की जनता और भारत की सरकार ने वायुसेना पर, मुझ पर ये जिम्मेदारी डाली है कि मैं उस वेपन सिस्टम को भगवान मानकर उसको ऑपरेशनलाइज करूं। आपको रुक रहे हैं, एक बार सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं द्वारका की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और देखिए, ये वो क्षण है जिसका इंतजार सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता है, जब रावण के पुतले का दहन किया जाता है। और यहाँ पर द्वारका में पहुंचे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण के पुतले का दहन करने के लिए। और देखिए जरा, तीर चल चुका है और इसी के साथ जो रावण का पुतला है उसका जो दहन है वो भी शुरू होगा यहाँ पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के द्वारका से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हम सबका सौभाग्य है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में यहाँ पहुंचे। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पहुंचने पर, द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी की ओर से एवं तमाम क्षेत्र की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं नरसिंहानंद सरस्वती जी, देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावण के पुतले का दहन तो कर दिया, लेकिन मौजूदा स्थिति में वो कौन कौन सी चुनौतियां आपको नजर आती हैं देश में जिनका दहन या जिनके खिलाफ लड़ाई बेहद जरूरी है? नरसिंहानंद सरस्वती जी, देखिए, सबसे बड़ी जो भारत की समस्या है वो तो है भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसके बारे में मोदी जी ने इस बार 15 अगस्त को बोला भी था कि जो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं वो देशभक्त होते हैं। मोदी जी का ध्यान है उस समस्या की तरफ। ये सबसे बड़ा रावण है भारत का, यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या, तो मोदी जी का ध्यान है। और मुझे लगता है कि मोदी जी गंभीरता से बातें करते हैं, मोदी जी समस्या को सुलझाएंगे। दूसरा है भारत में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है, ये पाकिस्तान और चीन से भी बड़ी समस्या है। इस पर भी नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का ध्यान गया है, तो मैं समझता हूँ ये समस्याएं हल होंगी, भारत विजय की तरफ जाएगा। और डेवलपमेंट तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, जिस तरह की अच्छी सड़कें भारत में बन रही हैं। अगर ये जनसंख्या का रावण भी रुक गया तो हम लोग समझते हैं कि एक भारत गौरवान्वित और सुरक्षित भारत होगा। इस्लामिक जिहाद के खतरे बने को भी हमें आज विजयदशमी का दिन है, संकल्प लेना पड़ेगा कि इसे खत्म करेंगे। जी नरसिंहानंद जी, जी जी, संजीव जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, हर साल हम हजारों सालों से इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं कि रावण का प्रतीकात्मक दहन करते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज के हर कोने में रावण दिख ही जाते हैं। जी जी बिल्कुल जी, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि किस तरह से रावण जो है, त्रेता युग का रावण जो है, वो भी अपने आप में, उनसे लक्ष्मण जी को कहा था राम जी ने कि जाके बहुत कुछ सीखने को है, उतने ज्ञानी हैं, लेकिन यहाँ तो जो हालात हैं, जिस तरह के रावण हमारे इर्द गिर्द आते हैं, क्या कुछ संदेश रामराज में, रामायण में छिपा हुआ है कलयुग के लिए? जी मैम, देखिए, अधर्म पर धर्म की विजय भगवान राम ने प्राप्त की थी, सच्चाई पर चल करके और एक बुराई पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी। और आज के दिन, आज का नाम हिंदी साहित्य में दशहरा है। भगवान राम का जो महायुद्ध था ये 10 दिन तक चला था और 10 दिन में हराया जिसको, उसका नाम भी दशहरा है। तो और रावण के 10 शीश थे और उनको भी हराया, उनको भी काटा, समाप्त किया, उसका नाम दशहरा है। और देखिए, उस समय रावण को, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत विद्वान था, इसलिए राम जी ने आज्ञा दी कि लक्ष्मण आप उनसे जाकर के जो विशिष्ट ज्ञान है आप उस ज्ञान को प्राप्त करके आए। तो आप सभी ने सुना है कि वो सर की तरफ खड़े हो गए, तो फिर उपदेश में आता है कि भाई जिस भी किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर के शिक्षा अगर ग्रहण करनी है तो उसको चरणों की तरफ खड़े होकर के और प्रार्थीबद्ध होकर के, प्रार्थनाबद्ध होकर के, करबद्ध होकर के, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा देने वाला गुरु होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा, एकाक्षरम प्रदत्तारम यो गुरुम न विबंधते, स्वान योनिम शतम भुक्त्वा चांडालेष्वपि जायते।
एक अक्षर पढ़ाने वाला भी परम गुरु हो जाता है, महान गुरु होता है, जो उसको नहीं मानता वो चांडाल बनता है। तो रावण तो बहुत विद्वान था, इस उसकी विद्वता को ग्रहण करने को राम जी ने साक्षात अपने भाई शेषावतार लक्ष्मण जी को भेजा था। तो उस समय क्योंकि वो रावण बड़ा ज्ञानी था और उसने क्योंकि जी संजीव जी बहुत विद्वान था और रावण को कोई हरा नहीं सकता था। मैं यहाँ से मंच से कह रहा हूँ क्योंकि इतना विद्वान एक था। और रामलीला की तस्वीरें हैं दिल्ली में, आपको बता दें कि अलग अलग रामलीला कमेटियां जो हैं रामलीला का आयोजन करती हैं। द्वारका रामलीला कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और अब तस्वीरें आ रही हैं, उपराष्ट्रपति वहां मौजूद हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद हैं और वहां पर भी श्री राम का और लक्ष्मण जी का तिलक किया, तिलक और आरती जो है राम परिवार की वो चल रही है। तो अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे कि रक्षा मंत्री जो है वहां पर शस्त्र पूजन कर रहे हैं पूरी विधि विधान के साथ। वहां पर नारियल भी है, कलावा भी जो है रफेल को बांधा गया है एक रक्षा कवच के तौर पर, जो हमारी रक्षा करने आ रहा है उसकी रक्षा के लिए भी परंपरागत तरीके से कलावा रफेल के नीचे नींबू भी है, नींबू भी है। तो आप देख लीजिए कि अगर हम फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, अत्याधुनिक तकनीक खरीदते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि हम अपनी जो अपने टोटके हैं, जो वहम है, जो परंपरा है, उनको भी नहीं भूलते, जो आस्था है, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं ताकि इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि नजर ना लगे किसी दुश्मन की और किस तरीके से दुश्मन के तमाम जो आतंकी मंसूबे हैं उनको धराशायी करे, ये राफेल उसी को दर्शाती वो चार तस्वीर। और यही हिंदुस्तान की शायद अनुराग खूबसूरती भी है कि हम अपनी परंपरा को, अपनी तकनीक को साथ लेके चल रहे हैं। हम अगर हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, चांद पर, मंगल पर जा रहे हैं, तो साथ ही हम ये भी कहते हैं कि भाई हमारी परंपराएं हैं, हमारे वहम हैं, हम उनको भी साथ में मानेंगे। बिल्कुल, रफेल दुश्मन का काल जो एक साथ 40 टारगेट को लोकेट करता है और फिर माइक्रो सेकंड में दुश्मन को तबाह कर देता है और यही वजह है कि राफेल को पाकिस्तान के साथ साथ लद्दाख से सटी चीन सीमा की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। बॉर्डर पर बढ़ेगी हिंदुस्तान के दुश्मनों की टेंशन, दुश्मनों की जमीन पर तूफान लाएगा राफेल। वो राफेल जिसका फ्रेंच में मतलब तूफान होता है, वो वाकई दुश्मनों की जमीन पर तूफान लाने वाला है। जंग की सूरत में राफेल कराची में पाकिस्तानी सैनिकों के बंकरों पर ताबड़तोड़ हमला करके एक घंटे में लौट सकता है, इसलिए तो वॉर जोन का किलर कहलाता है फाइटर जेट राफेल। एक वक्त में 40 टारगेट लॉक कर उनमें से 4 पर एक साथ वार कर सकता है राफेल। इसमें कई प्रकार की आधुनिक टेक्नोलॉजी से इसको लैस किया जा रहा है जो हमारे पुराने हवाई जहाज़ों में नहीं है। इसके जो एवियोनिक्स है जो पायलट को फ्लाई करने में मदद करते हैं वो बड़े उच्च दर्जे के हैं। विजोनिक्स जो उसको बैटल फील्ड अवेयरनेस देते हैं कि कौन सी जगह में क्या हो रहा है। समझ लो हमारा हवाई जहाज़ जो अम्बाला से टेक ऑफ हुआ है, अम्बाला की बात कर रहे थे, और उनका जो सबसे बड़ा एयरफील्ड है सरगोधा, उसके ऊपर हमला करने जा रहा है, तो वापसी पर हो सकता है जब वापस आ रहा है अम्बाला पाकिस्तान की मिसाइल के माध्यम से डिस्ट्रॉय हो गया हो। इस पायलट को हर समय पता होगा कि अम्बाला में क्या लड़ाई की हालत है, सरगोधा में क्या है, रफीकी में क्या है, नीचे कराची में क्या है और ऊपर लद्दाख में क्या है। और राफेल की इसी बारूदी हुंकार से पाकिस्तान की पेशानी पर बल पड़ गया है, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस और घातक फाइटर जेट राफेल जल्द ही इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की हवाई सुरक्षा मजबूत करेगा, जो लगातार 10 घंटे उड़ान भर सकता है और करीब 3700 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। अब यही रणवीर राफेल पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैनात होगा। ये भारत की जो वायुसेना की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाएगा। वायुसेना में इस समय मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट्स की बहुत सख्त ज़रूरत थी और हमें इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए रफाल जैसे विमानों की बहुत आवश्यकता थी, चाहे वो पाकिस्तान का फ्रंट हो, चाहे हमारा वेस्टर्न फ्रंट हो, चाहे वो नॉर्दर्न फ्रंट हो, चाइना का फ्रंट हो, उस पर निपटने के लिए मुझे लगता है कि वायुसेना की तैयारियों को और अधिक लगातार पुख्ता करने की आवश्यकता थी। उसी प्रक्रिया में रफाल का एक्विजिशन किया गया है। भारत की इसी रक्षा तैयारी से पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस राफेल 150 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। पाकिस्तान में सीमा के पास चल रहे आतंकवादी ठिकाने इसी राफेल की एक दहाड़ से ध्वस्त हो जाएंगे। जल्दी ही राफेल को चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों के साथ सीमा पर तैनात किया जा सकता है। जाहिर है राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ा देंगे।
और ये एरियल वॉरफेयर में गेम चेंजर साबित होगा। सीमा पर राफेल की तैनाती से न केवल बॉर्डर पर भारत की ऑपरेशनल ताकत बढ़ेगी बल्कि मारक क्षमता भी बढ़ेगी और क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिहाज से ये काफी अहम साबित होगा। राफेल में लगी मेट्योर मिसाइल 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल को ध्वस्त करने में सक्षम। राफेल के इस मिसाइल से लैस होने से भारत की स्थिति एशिया में और मजबूत हो गई। अगर दुश्मन ने सपने में भी हिंद की सरहद की तरफ टेढ़ी नजर से देखा तो राफेल उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। टीम न्यूज नेशन। तो राफेल की खास बातें क्या हैं वो आपने समझ ली, लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, आपको लगता है कि हथियारों की खरीद के मामले में जो पॉलिसी पैरालिसिस अब तक नजर आती थी, फाइलों में चीजें निपटी रहती थी, वो दौर अब खत्म हो चुका है बीते एक दो साल में और आने वाले वक्त में इसमें और ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है? आपने सही फरमाया, पिछले कुछ वर्षों से ये देखा गया है कि भारत सरकार और देश की जनता जैसा चाहती है कि हमारी फौज मजबूत बने और एक मजबूत फौज को एक बहुत बढ़िया वेपन सिस्टम चाहिए। ये देखा गया है रिसेंटली कि जब भी कैपिटल इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट करना है, कोई वेपन सिस्टम का प्रोक्योरमेंट करना है, देर इज़ नो आनाकानी फ्रॉम एनी क्वार्टर्स। ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए जो ज़रूरत फंड है उसको मुहैया कराया जाता है। कैपिटल प्रोक्योरमेंट में रिसेंटली इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत सरकार ने क्लियर कर दिए हैं कि आने वाले 5 साल में 10 साल में भारत की सेना, वायुसेना, जल सेना में आप देखेंगे कि नए नए हवाई जहाज, टैंक और पानी के जहाज़ों का इंडक्शन होगा। एक बहुत ही सुंदर बात है, अब मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय है कि पहले फौज से एज ए स्पेशलिस्ट लोग 100 सवाल पूछते थे जी, क्यों, कैसे, यही क्यों, इतने पैसे में ही क्यों, लेकिन अब आबोहवा चेंज हो गई है जी। अब हमें 1-2 सवाल पूछने के बाद ही यह मान लिया जाता है कि हमें वह इक्विपमेंट चाहिए। मौजूदा सरकार जो है वो फौज की जरूरतों को बिना शक शुबा के सुनती है, उनको मानती है और जल्दी प्रोसेस किया है और इसीलिए आज देखिए कि राफेल भी है हमारे पास और अपाचे और चिनूक भी आ चुके हैं। किस तरह से दुश्मनों की हवाई टोह से लेकर आर्मी को ग्राउंड सपोर्ट देने की ये विमान ताकत रखता है, क्यों सुकोई मिराज के होते हुए भी ये विमान इतना महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। राफेल यानी दुश्मनों का काल, जिसे ग्राउंड टू एयर और एयर टू एयर मार करने वाला दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है। जमीन पर हमला करना हो या फिर हवा में कलाबाजी दिखाते हुए दुश्मन के लड़ाकू विमान को ढेर करना, ये दोनों ही काम बखूबी कर सकता है। छोटे आकार और सटीक निशाने के चलते ये विमान वॉर जोन में किलर कहलाता है। राफेल दुश्मन देश के रडार की पकड़ में नहीं आता, एक बार उड़ान भरने पर यह 3700 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को खाक में मिला देता है। 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब यह आसमान में गर्जना करता है तो दुश्मन की सांसें अटक जाती हैं। शॉर्ट नोटिस पर हथियारों को मार गिराने के लिए हेलमेट माउंटेड साइट्स और टारगेटिंग सिस्टम से लैस है। एक बार फ्यूल भरने के बाद यह 10 घंटे की लगातार उड़ान भर सकता है। 2 शक्तिशाली इंजन पलक झपकते ही इसे रनवे से आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। 2 इंजन वाला ये फाइटर प्लेन महज 1 मिनट में 55 से 60 हजार फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल खास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है जिसके जरिए दुश्मनों को लोकेट किया जा सकता है, उनके राडार को जाम भी कर सकता है। ये जेट इतना फ्लेक्सिबल है कि कम से कम ऊंचाई से लेकर ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक दोनों ही हालात में बेहतर तरीके से काम कर सकता है। राफेल हवा से जमीन और हवा से हवा में हमला करने वाली मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइलें परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ भी राफेल से मिसाइलों को दागा जा सकता है। वहीं इसमें लगी गन 1 मिनट में 125 फायर कर सकती है। अगर एवियोनिक्स जैसी विशेषताएं देखी जाएं, तो इसमें RBI-2 रडार लगा है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक की है। इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में खोज लेता है पोजीशन। नजदीकी मुकाबले के दौरान एक साथ कई टारगेट पर रख सकता है नजर। हमारे जो दुश्मन है, खास करके पाकिस्तान के पास इस माफिक
क्वालिटेटिवली कोई जहाज़ नहीं है जो इसके साथ कंपेयर करता है। फिर ये बहुत बड़े आधुनिक हथियारों को ले जा सकते हैं, मल्टीपल वेपन्स को, एयर टू एयर वेपन्स को ले जा सकता है। उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है क्योंकि उसमें जो मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज रडार्स हैं वो दुश्मन को दूर तक पहचान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, और मीटियोर मिसाइल जो है उसको काफ़ी दूरी तक उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। राफेल 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। वहीं ये समुद्र में तैनात युद्धपोतों से लेकर जमीन पर मौजूद सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। राफेल प्लेन में एक और खासियत यह है कि इसके पायलट के हेलमेट में ही फाइटर प्लेन का पूरा डिस्प्ले सिस्टम होता है, यानी उसे प्लेन के कॉकपिट में लगे डिस्प्ले सिस्टम को देखने की जरूरत नहीं। पूरे कॉकपिट का डिस्प्ले हेलमेट के सॉफ्टवेयर में फिट होता है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।